तो अगर आप Realme U1 लेने के लिए सोच रहे थे या फिर Realme 2 Pro लेने के लिए सोच रहे थे या फिर Redmi Note 6 Pro लेने के लिए सोच रहे थे तो भाई रुक जाओ, क्योंकि लॉन्च होने जा रहा है Asus ZenFone Max Pro M2 इंडिया में, वो भी 11 दिसंबर को। तो आज की इस वीडियो में आपको कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ और उसकी लॉन्च डेट बताने वाला हूँ और सब कुछ आपको कन्फर्म्ड बताऊँगा, कुछ लीक रूमर्स नहीं बताऊँगा, जो बताऊँगा वो सच में होने वाला है 11 दिसंबर को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं केक वर्ल्ड। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये लॉन्च कब होने वाला है। तो आपको पहले से पता होगा 11 दिसंबर में ये इंडोनेशिया में लॉन्च होने वाला था, लेकिन आज फाइनली एसुस ने कंफर्म कर दिया और बता दिया कि भाई फाइनली इंडिया में भी 11 दिसंबर को ही लॉन्च होने जा रहा है एसुस ZenFone Max Pro M2। और ये आप चेक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे भी, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव ये फोन होने वाला है, तो आप 11 दिसंबर को इसका लॉन्च इवेंट वगैरह देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्क्रीन प्रोटेक्शन की। तो इस बार हाईलाइट करा गया और काफी कमाल की बात है, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें आपको लेटेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 मिलेगा। तो Asus का कहना यह है कि हमने इस स्मार्टफोन को काफी स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करा है, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के सामने कोई नहीं टिक पाया। तो इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन जो होने वाली है वो काफी दमदार होने वाली है। और स्क्रीन की बात ही कर रहे हैं तो इसमें आपको बता दूं, आपको इसमें 6 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें आपको एक नोच मिलेगी। इतनी बड़ी नहीं है Redmi Note 6 Pro जितनी, छोटी सी नोच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लगती है। और इसमें आपके कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको जो बैक कैमरा मिलता है उसमें आपको 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा Asus ZenFone Max Pro M2 में। और फ्रंट कैमरे की अभी कोई लीक नहीं है, लीक तो मैं आपको बता सकता हूं लेकिन वो कंफर्म्ड नहीं है, इसलिए फ्रंट कैमरे की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फ्रंट कैमरे में आपको फ्लैश मिलेगी, ये 100% कंफर्म्ड है। और इसकी बैटरी की बात करें तो Asus ZenFone Max Pro M1 की तरह इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो भाई बैटरी के मामले में कमाल का होने वाला, अगर आपको दमदार बैटरी चाहिए तो इस फोन के लिए वेट जरूर करना। तो प्रोसेसर को बताने से पहले आपको बता दूं, Asus ZenFone Max Pro M2 के साथ Asus ZenFone Max M2 भी लॉन्च होने वाला है। ये कंफर्म नहीं है कि वो इंडिया में भी लॉन्च होगा, लेकिन वो इंडोनेशिया में तो लॉन्च होना ही है। तो आपको बता दूं Asus ZenFone Max Pro M2 जो इंडिया में 100% लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर। हालांकि ये थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन आपको 636 से तो पावरफुल मिलता ही है। और इसमें आपको जो Asus ZenFone Max M2 है इसमें आपको Snapdragon 636 ही मिलेगा, जो आपको Asus ZenFone Max Pro M1 में मिलता था। तो पता नहीं Asus ZenFone Max M2 लॉन्च होगा या फिर नहीं इंडिया में, लेकिन Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको डेफिनेटली Snapdragon 660 मिलने वाला है इंडिया में। तो सब कुछ मुझे यार दिखने में काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी हो जाए तो ये काफ़ी कमाल की बात होगी। तो इसकी प्राइसिंग भी आपको 15,000 से नीचे मिलेगी, इसमें शायद आपको 3GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका जो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट होगा वो आपको 14,000 या फिर 13,000 में मिलेगा। तो ये Redmi Note 6 Pro और Realme 2 Pro जितने प्राइस पर मिलेगा या फिर उससे कम भी मिल सकता है, इससे महंगा नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। और आपको बता दूं Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको पीछे की तरफ ग्लास फिनिश मिलेगी, तो इस बार आपको सिंपली मेटल बॉडी नहीं मिलने वाली है, काफ़ी कमाल का अट्रैक्टिव आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। हालांकि आपको Asus ZenFone Max M2 में आपको मेटल बॉडी मिलेगी, ग्लास बॉडी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं यार 11 दिसंबर को क्या क्या होता है, क्या प्राइस होती है, तो आपको सब कुछ बता दूंगा इस चैनल पर। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं।